हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल ग्रास डॉक्टर अदिति एंड टुडे वी विल डिस्कस रेक्टिफायर ओके सो रेक्टिफायर टू टाइप्स के होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे वट इज़ हाफ़ वेव रेक्टिफायर एंड वाई वी यूज़ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड हाउ डू वी इम्प्लीमेंट हाफ वेव रेक्टिफायर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड बेसिकली इसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वी यूज हाफ वेव रेक्टिफायर तो इसका सिंपल आंसर है हम ए सी सिग्नल को आउटपुट डी सी सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं मीन्स वी यूज हाफ वेव रेक्टिफायर टू ट्रांसफॉर्म ए सी सिग्नल इंटू डी सी सिग्नल ओके सो लेट्स स्टार्ट व टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉप करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट ठीक है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले यहाँ पे होता है एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ठीक है ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड एंड ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड ठीक है तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ठीक है अब इस सर्किट में आगे हम यूज करते हैं यहाँ पे एक डायोड दिस इज द डायोड एंड एट लास्ट दिस इज द रेजिस्टिव लोड ठीक है तो ये हो गया हमारा सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ठीक है तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे V है दैट इज इनपुट सप्लाई ठीक है यहाँ पे हमारी इनपुट सप्लाई एसी वोल्टेज आ रही है ठीक है इनपुट सप्लाई एसी वोल्टेज जो कि है हमारी V ठीक अब यहाँ पे हमने यूज किया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ठीक है दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ठीक ये हो गई उसकी प्राइमरी साइड एंड ये हो गई आपकी सेकेंडरी साइड सेकेंडरी साइड ठीक है यहां पे हमने एक यूज किया डायोड एंड दिस इज आर रजिस्टिव लोड ठीक तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज क्यों किया अब जब हमारी जो इनपुट सप्लाई या एसी वोल्टेज की आ रही है दैट इज हाई एसी इनपुट सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं तो हमें लोअर सिग्नल चाहिए होता है लोअर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होता तो है उसकी रेंज कम हो तो उसकी रेंज को कम करने के लिए यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिससे कि ये हाई इनपुट एसी सिग्नल को लो इनपुट एसी सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा अब यहाँ पे स्टेप डाउन हम कैसे देख रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म प्राइमरी में ज्यादा है एंड सेकेंडरी में सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न ट्रांसफार्मर के कम हैं तो इसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हाई इनपुट एसी सिग्नल को लो एसी इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा अब ये जो एसी इनपुट सिग्नल आएगा इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे डायोड पे एंड एट लास्ट यहाँ पे हमारा है रजिस्टिव लोड आर ठीक है इस लोड के अक्रॉस ही हम अपनी आउटपुट वेवफॉर्म को डिसाइड करेंगे कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी हमारे इस सर्किट की ठीक है सो दिस इज द ओवरऑल कंप्लीट सेटअप और डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है ना सपोज हमने यहाँ पे ए सी इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जिसका वेव फॉर्म है ए सी इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म हो गई ठीक है पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल्स इसमें आएंगी ठीक है तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये निगेटिव हाफ साइकिल अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरह से ये एसी सिग्नल आपका आएगा ट्रांसफार्मर में ठीक है सो दिस इज इनपुट एसी सिग्नल राइट अब इनपुट सिग्नल जब हमारा यहाँ अप्लाई हुआ इसके लिए हमारी आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होगी अब हम ये देखेंगे ठीक है तो जब यहाँ पे हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ पे हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो रही है जब तक ये पॉजिटिव है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज आई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे निगेटिव राइट right? तो हमारे डायोड के क्रॉस जो हमें डायोड है इस समय यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है मीन्स यहाँ पे इसके एनोड पे पॉजिटिव एंड कैथोड पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाइड है तो यहाँ पे इस टाइम हमारा डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ठीक है अब चूंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायसड है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे डायोड को अगर हम रिप्लेस कर दें इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट से तो यहाँ पे इस टाइम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा डायोड जो हो गया वो हो गया यहाँ पे शॉर्ट ठीक है ये क्लोज स्विच की तरह यहाँ पे ये एक्ट करेगा डायोड एंड हमें यहाँ पे आउटपुट वेफ फॉर्म में हमारी आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें ऐसे positive यहां पे output voltage मिल जाएगी, ठीक है तो ड्यूरिंग we'll uh, okay? में क्या होता है जब तक हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल रही हमारा डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में रहा एंड ये एक्ट इसने किया एज अ क्लोज्ड स्विच ठीक है तो आउटपुट पेफॉर्म है पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गई अब हम कंडीशन देखते हैं जब यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल डायोड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं ठीक है तो अगेन हम यहाँ पे डायोड पहले ड्रॉ कर देंगे अपना ठीक अब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अक्रॉस सेकेंडरी साइड में क्या हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी इस साइड माइनस एंड दिस साइड प्लस क्योंकि ये है निगेटिव हाफ साइकिल ठीक अब इस कंडीशन में जो हमारा डायोड था उसके एनोड पे निगेटिव सप्लाई है एंड कैथोड पे पॉजिटिव सप्लाई है तो इस कंडीशन में हमारा जो डायोड होगा वो बन जाएगा ओपन uh, सर्किट और ओपन स्विच सो इस कंडीशन में हमारा डायोड बन गया इट वर्कड एज अ ओपन स्विच एंड हमें आउटपुट के एक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी हमें जीरो वोल्टेज मिलेगी ठीक है तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल विल गेट जीरो आउटपुट वोल्टेज ओके अब अगेन जब यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुई अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुई तो हमारा डायोड वो एज अ क्लोज स्विच एक्ट करने लगेगा एंड जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी वो हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगी राइट right? तो इस तरह डायोड ने हमारी जो इनपुट वेव फॉर्म थी ठीक है उसको जब आउटपुट वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें आउटपुट मिला वी जीरो बट जो नेगेटिव हाफ साइकिल में थी उसके टाइम उसके ड्यूरिंग हमें यहाँ पे आउटपुट मिला जीरो आउटपुट जीरो आउटपुट मीन्स इसने पॉजिटिव हाफ साइकिल तो पास कर दिया बट जो निगेटिव हाफ साइकिल थी उसे क्लिप कर दिया एंड हमें मिला जीरो आउटपुट तो इस तरह जो आ, हमारा हाफ रेक्टिफायर होता है वो इनपुट एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है तो हमें जो आउटपुट मिला दैट इज पल्सेटिंग डीसी आउटपुट ठीक है अब हम एक बार इसकी वेवफॉर्म फॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर वेवफॉर्म फॉर्म ड्रॉ करने को आएगा एग्जाम में तो आपसे कैसे ड्रॉ करेंगे राइट सो दिस इज अवर ए सी इनपुट सिग्नल वी इन तो वाई एक्सेस पे है हमारे इनपुट वोल्टेज एंड एक्सेस एक्सेस पे है ओमेगा टी ठीक है अब ए इनपुट सिग्नल जो वैरी हो रहा है जीरो टू पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई टू टू पाई हाफ साइकिल अगेन टू पाई टू थ्री पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरह ये एंड सो ऑन ये वेरी करेगा ए सी इनपुट सिग्नल अब इसके अकॉर्डिंग हमें हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे मिलेगा इसको हम देखते हैं अब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ये लाइन्स हम इधर एक्सएक्स पे आउटपुट वेव फॉर्म पे इंटरसेप्ट करते हैं पहले ठीक है तो अभी जब यहाँ पे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखी तो आपने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आउटपुट हमें आउटपुट हमें मिलता है बट ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल हमें जीरो आउटपुट मिलता है तो इस कंडीशन में वी आउट क्या होगा जीरो टू टू पाई तक हमें तो यहाँ पे वी आउट मिलेगा लाइक दिस ठीक है एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट मिला जीरो ओके okay? अगेन फिर जैसे ही निगेटिव टू पॉजिटिव ये आने लगता है तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल विल गेट लाइक दिस एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल विल गेट जीरो आउटपुट अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल विल गेट लाइक दिस आउटपुट ओके सो दिस इज वी इन एंड दिस इज वी आउट तो इस तरह दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट वे फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है मीन्स जो ए सी इनपुट सिग्नल हम जब अप्लाई कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज डी सी पल्सिएटिंग डी सी आउटपुट हमें मिल रहा है ठीक है सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर तो इस तरह हमने वीडियो में हाफ एवरेक्टिफायर हम क्यों यूज करते हैं एंड इसका जो डायग्राम होता है इसकी वर्किंग होती है वो हमने देख ली एंड इनपुट आउटपुट वे फॉर्म देख ली सो दिस इज ऑल अबाउट हाफ एय वैक्ट्रीफायर ओके नाउ लेट्स मीट इन अनदर वीडियो चिल्ड्रेन थैंक यू ऑल द बेस्ट